हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑडिट विद जयेश भंडारी में। बच्चे लोगों, बहुत दिनों से आप लोगों की काफी सारी कॉपीज मेरे पास में आई है, ऑडिट की भी एज वेल एज लॉ की भी, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 20 एग्जामिनेशन की, जिसमें आप लोगों ने मुझसे ये डिमांड किया है कि सर, हमारी कॉपीज को चेक करके बता दीजिए कि हमारे मार्क्स कहाँ सही है, कहाँ गड़बड़ है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो बच्चे लोगों, उन सारी कॉपीज में से जिन जिन कॉपीज को मैंने देख लिया है, कुछ कुछ कॉपीज आप लोगों के साथ में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, जिससे आप लोगों को भी या बाकी कोई जिनके पास में भी ऐसी कॉपी है, जिन्होंने कॉपी मंगवाई है और जिन्हें कहीं पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे मार्क्स कहाँ कटे, कहाँ गलती है, हमने क्या कुछ किया है, आगे हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है, तो उन सब के लिए मेरा ये आज का जो वीडियो है बच्चों, बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। एंड तक इसको देखिएगा। और सबसे पहले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब इस तरह के वीडियोस आपके पास में लगातार आने वाले हैं। अभी ऑडिट के आएंगे, उसके बाद में लॉ के वीडियोस भी बच्चों इसी तरह से आपके साथ में डिस्कस होंगे। अब हमने कहा सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी आईसीए ने नवंबर 20 के लिए अपने सजेस्टेड आंसर जो है उनको इश्यू नहीं किया है। कोई चिंता की बात नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आंसर्स होने चाहिए और उनके आंसर्स किस तरीके से ड्राफ्ट होने चाहिए और कहाँ कहाँ पे आपने की है गलतियां। तो चलिए फटाफट से हमारे आज की वीडियो को बच्चे लोगों हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और आपके सामने आता है सबसे पहले बच्चों, ये है नवंबर 20 का हमारा पेपर। बराबर से पेपर भी हमारे पास में है। हमने बच्चे सॉल्यूशंस भी यहाँ पे निकाल करके रखे हैं। सॉल्यूशंस का मतलब ये हो गया कि हमने स्टडी मैट के वो टॉपिक्स यहाँ पे ले लिए जो इस बार आपसे पूछे गए थे नवंबर 20 के एग्जाम्स में, क्योंकि तो यहीं से हमारे आंसर्स बनने वाले हैं, तो इसी को हम लोग चेक करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ में हमारे पास में है सर्टिफाइड कॉपी। जी हाँ, एक स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास में बच्चों, 70 में से जिनको मार्क्स मिले हैं सिर्फ 19.5, 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, बराबर, ओवरऑल मार्क्स काफी कम है। तो इनको ये लगता है कि सर बताइए कहाँ गलती है, अगर इतने कम मार्क्स मिले हैं तो सर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती की है, बराबर। और क्या वाकई में गलती हुई है, नहीं हुई है, कहाँ कुछ होना चाहिए था। बच्चों, हर तरह की कॉपी इस वक्त मेरे पास में है, तो मैं आप लोगों से इस कॉपी को डिस्कस करने वाला हूं, बराबर। और जिसकी भी कॉपी है ये, वो भी इस वीडियो को देखें और बहुत ध्यान से सीखें कि कहाँ अगर हमारी गलती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि क्या वाकई में हमारी गलती है क्या, तो उस गलती को हम लोग सुधारने की पूरी पूरी सी कोशिश करेंगे बच्चे लोगों, कि आप लोग ध्यान रखने वाले हैं, बराबर से। तो सबसे पहले इन स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किया है बच्चों, आप लोग देख सकते हो कॉपी यहां से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो इन्होंने किया है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन से इन्होंने स्टार्ट किया है, बराबर से। और फोर्थ क्वेश्चन में टोटल मार्क्स बच्चे आप लोग जैसा देख सकते हो इनको यहाँ पे मिले हैं 5, बराबर से। फोर्थ का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 4 पार्ट मेरे हिसाब से होने चाहिए। अभी अपन देख भी लेते हैं कि टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन है और इनका आंसर क्या है और आंसर क्या होना चाहिए था, वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, बराबर से। थोड़ा सा डिटेल वीडियो है, बहुत आराम से देखिएगा वीडियो को, एंड तक देखिएगा, समझिएगा कि क्या कुछ हमसे गलती हो रही है जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। चलिए तो आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि फोर्थ का क्वेश्चन हमारा जो था वो था क्या और कितने मार्क्स का था। ये आइए नवंबर 20 के हम लोग आगे बच्चे लोगों पेपर पर, बराबर से। तो ये मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 4 पर और आप जैसा देख रहे हैं बच्चों, ये है फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, यानी कि टोटल 4 एंड 4, 8 मार्क्स हो गए, बराबर, 11 एंड 3। पूरा क्वेश्चन बच्चों 14 मार्क्स का है, जिसमें से इनको मिले हैं 5 नंबर, बराबर, मेरे ख्याल से 5 ही थे, अभी वापस देख लेंगे अपन। दोनों क्वेश्चंस 4-4 मार्क के और रिमेनिंग दोनों जो है वो 3-3 नंबर के बच्चे लोगों। आइए देखते हैं। एबीसी लिमिटेड अपॉइंटेड XYZ एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर ईयर 1920। स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। CX पार्टनर ऑफ XYZ एंड कंपनी वाज लुकिंग आफ्टर द ऑडिट ऑफ अदर इनकम ऑफ द कंपनी व्हिच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन FD, बराबर से। तो एक चीज समझ में आया बच्चों, इंटरेस्ट इनकम ऑफ FD के ऊपर आपने से क्वेश्चन पूछा और आपसे पूछा है एज ऑडिटर हाउ वुड CAX verify interest income on FD deposit for the year 1920, बराबर से।
बच्चे लोगों, ये नए कोर्स का पेपर है, आप लोगों को बता देता हूं, चैप्टर नंबर 9 से बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। चैप्टर नंबर 9 पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो मिलने वाला है कि इंटरेस्ट ऑन एफडी को कैसे चेक किया जाता है, बराबर से। तो यहां मेरे पास मैं सारे सॉल्यूशन आप लोगों के लिए साथ में लेके बैठा हूं, डायरेक्टली स्टडी वेट से लेके बैठा हूं बच्चों। तो चैप्टर 9 के लिए हमको काफी आगे जाना पड़ेगा, काफी आगे जाना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लेके आता हूँ चैप्टर नंबर 9। ये हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 6 में, ये चैप्टर नंबर हमारा आ गया 8, और बच्चों ये रहा चैप्टर नंबर हमारा 9। चलिए जी, और बच्चों ये रहा आपका आंसर, क्लियर आंसर है बच्चों। वेरीफाई इंटरेस्ट इनकम और एफडी के अंदर सबसे पहला काम बच्चों, आप लोग यहां से आंसर को देखिए, ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एफडी ओपन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट, बराबर से एक लिस्ट आपको लेना पड़ेगा, बराबर। लिस्ट लेने के अलावा मतलब पहला पॉइंट बच्चों यहां जो लिखा गया है वो एक लिस्ट आपको एफडी का ले लेना चाहिए, बराबर से। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैलकुलेट करके चेक करना चाहिए। फिर आपको अगले पॉइंट में मैं बता देता हूं फटाफट से कि क्या चीजें हैं बच्चों, डिपॉजिट स्टिल आउटस्टैंडिंग कौन सी पीरियड एंड में है वो अपने को देखने चाहिए, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कंफर्मेशन ले सकते हो, बराबर। फिर इंटरेस्ट का इनकम कितना है वो बैंक से आप कंफर्मेशन ले सकते हो। फिर बच्चों 26AS TDS सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखा जाना चाहिए था। ये बच्चों सीधा सीधा सा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कहा गया है, इसका आंसर लिखा गया है। और इतने पॉइंट्स आप लोगों को 4 मार्क्स में, आप जबरदस्ती नहीं है कि लैंग्वेज एज इट इज फॉलो करो, लेकिन आपके आंसर में ये चीजें जो है वो कम से कम आ जानी चाहिए थी, फॉलो हो जानी चाहिए थी। ये 4th के A नंबर के अंदर लिखा गया था। आइए देखते हैं कि इन्होंने आंसर के अंदर क्या लिखा है। क्वेश्चन आपके सामने है, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया CAX विद रजिस्टर्ड टू सेटिस्फाई वेरियस अजर्शंस बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। अब आप देखिएगा इन्होंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, सबसे पहले अजर्शन को समझाना शुरू किया जिसकी हमको जरूरत थी नहीं, समझ रहे हैं आप लोग, बराबर। 4th A में इनको सिर्फ 1 मार्क मिला है बच्चों, टोटली क्वेश्चन में 13 में से 5 मार्क्स अलॉट हुए हैं। अजर्शन, टाइप्स ऑफ अजर्शन बच्चों, टाइप ऑफ अजर्शन इन्होंने दे दिया। उसके बाद में इन्होंने हाउ टू सेटिस्फाई अजर्शन वाला पॉइंट लिखा। यहां आकर के बच्चों एकाध पॉइंट इनका मैच करता है, जैसा आप लोग देख रहे हो, अकॉर्डिंग द ऑडिटर शुड परफॉर्म रीकैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, आप लोग देख रहे हैं बराबर से, एंड कंपेयर द फिगर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा करके एकाध पॉइंट इनका मैच करता है बच्चों, इतने आंसर की हमको जरूरत थी नहीं, तो चाहिए था वो आंसर टू द पॉइंट अपने को लिखना चाहिए था, assertions को ना तो समझाना था ना कुछ करना था, तो इस वजह से बच्चे लोगों को एक ही नंबर अलॉट हुआ, बराबर। तो आप भी अगर इसको देख रहे होंगे वीडियो को, और अगर आपने भी पेपर मंगाया तो देखिएगा बच्चों की जो टू द पॉइंट हमको चाहिए वो पॉइंट हमको लिखना है, अननेसेसरी के मैटर की अपने को जरूरत नहीं है, बराबर से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं बच्चों, 4th का B जो है जिसमें इनको मिले हैं 2 नंबर मिले हैं बच्चों, 2 नंबर मिले हैं, बराबर से आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं बच्चे लोगों, 4th का B नंबर आप लोगों के सामने ये रहा। चलिए जी, 4th का B बच्चों पूछा है, व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अमृत लिमिटेड द ऑडिटर ए ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्जर्व दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल स्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 31st March। The auditor wanted to send confirmation request to few large trade receivable, but the management refused to send. बच्चे लोगों, ऐसे नंबर 505 पे हमारा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर आपका न्यू कोर्स का काम करता है 3rd, बराबर। मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया है टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हाउ वुड द ऑडिटर प्रोसीड, ये आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, बराबर से। और जैसा मैंने कहा ये चैप्टर नंबर 3rd का क्वेश्चन है बच्चों, तो आइए आपको पहले चैप्टर नंबर 3rd के मैं आंसर की तरफ बच्चों डायरेक्टली स्टडी मेट से देखिए, आईसीएआई ने अभी तक सजेस्टेड आंसर स्टार्ट नहीं किए, मतलब दिए नहीं है अभी, तो हम लोग डायरेक्टली वहीं से लेकर के आगे बच्चों कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास में नंबर 3rd, ये रहा बच्चे लोगों 4th के B का आंसर आप लोगों के सामने है। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, बच्चों डायरेक्ट पॉइंट दिया है द ऑडिटर शेल, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट से रीजंस मांगने चाहिए थे, बराबर। फिर इवेल्यूट करना चाहिए कि उनका जो मना करना है वो सही है कि नहीं, उसमें कहीं फ्रॉड वगैरह तो कोई चांसेस नहीं है, और जहां तक हो सके अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अगर लगा सकते हैं तो अपने को लगाना चाहिए, बराबर। फिर आगे देखिएगा बच्चों, If the auditor conclude that management refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable, अगर management को लगता है unreasonable है, तो
और दी ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन या उसको लग रहा है कि वो एविडेंसेस नहीं ले पाएगा, तो बच्चों ऑडिटर को सबसे पहला काम TCWG को एक तो कम्युनिकेट करना चाहिए दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, और उसके साथ साथ SS705 के अंदर अपने को रिपोर्ट को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, ये हम लोग जानते हैं बराबर से। ये बहुत सीधी सी बात थी बच्चे लोगों, एकदम क्लियर कट मैटर है, ठीक है। इतना आंसर में हमको ड्राफ्ट करना चाहिए था, 4 मार्क का क्वेश्चन है पूरा का पूरा। आइए देखते हैं कि इन स्टूडेंट ने अपने आंसर में, इनको 2 मार्क्स मिले बच्चों, आप लोग देख सकते हो इन्होंने कैसे लिखा। एस पर SA505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है, SA210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ, अब बच्चे लोगों एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का लास्ट एक पॉइंट आपको दे रखा है लिमिटेशंस वाला, बराबर, कि जहां ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होने से पहले आपके अगेंस्ट में कुछ लिमिटेशंस मैनेजमेंट लगाता है, तो उसका भी आंसर इसे मैच करता है, बराबर, कि वहां आप लोग देखोगे कि मैनेजमेंट ने जो लिमिटेशन लगाया वो रीजनेबल है, अनरीजनेबल है, रीजनेबल है तो आप एंगेजमेंट लेटर को चेंज करोगे, अनरीजनेबल है तो आप विड्रॉ करोगे, रिपोर्टिंग करोगे, लेकिन उसका और ये वाला आंसर बच्चों बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, आपको इसमें ऐसे 210 के रेफरेंस की जरूरत नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखें इन्होंने क्या लिखा था, 2 नंबर मिले बच्चों। द फॉलोइंग थिंग शुड डन बाय द ऑडिटर, सबसे पहला चेक द वैलिडिटी ऑफ रीजनेबलनेस, इन्होंने लिखा जो काफी कुछ सही था, ठीक है। कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट फॉर फर्दर, ठीक है भाई, आपने मैनेजमेंट से TCWG को कम्युनिकेट किया, फिर बच्चों इन्होंने जो 2 बात लिखी रीजनेबल या रीजनेबल नहीं लगता है तो क्या करना है, वो बातें वहां पे भी थी, लेकिन विड्रॉल वाली बात बच्चों यहाँ थी ही नहीं। हमने अभी अभी देखा कि एक तो आपको SA260 में कम्युनिकेट करना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात रिपोर्ट को मॉडिफाई हम लोग कर देंगे, हम लोग देख लेंगे अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चे आंसर के अंदर लिखी जानी चाहिए थी जो यहाँ पे नहीं दी गई। फिर भी ठीक है, कुछ पॉइंट मैच कर गए, जो ICA ने 2 मार्क्स इनको अलॉट कर दिए हैं जो काफी ठीक ठाक मार्क्स है बच्चों, इससे ज्यादा मिलने के यहाँ पे चांसेस नहीं थे, उतने मिल गए वही नंबर बहुत है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, बराबर ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखते जाइएगा कि कहां हमको लगता है कि मार्क्स आने चाहिए और कहां ICA मार्क्स दे दिए बच्चे लोगों। 4th का C नंबर क्वेश्चन समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, और 4th का C नंबर पहले आपको दिखाया जाए कि क्वेश्चन क्या है। चलिए जी आइए मेरे साथ में क्वेश्चन देखिए। ये वीडियो देखने से पहले ऑडिट का कोर्स आपका खत्म होना चाहिए, अगर मे वाले स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आपके लिए भी बहुत काम की चीज है, और जिन लोगों ने नवंबर एग्जाम दिया था और किसी वजह से क्लियर नहीं कर पाए हैं, कॉपीज वॉपीज मंगवाई आपने, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा काम का वीडियो है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। The auditor's requirement to report under clause 10 of paragraph 3 of company's audit, बच्चों कारों की बात हो रही है, यानी कि मे वालों के लिए कारों 16 ही लग रहा है, बराबर, is restricted to fraud notice and reported. अब बच्चे लोगों इस क्वेश्चन के अंदर कई लोगों के साथ गलती हुई, मैक्सिमम लोगों ने इसको समझ लिया, चैप्टर 10 का क्वेश्चन है सर, वहां पे कारों का क्लॉज 10 बहुत छोटा सा दे रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉड नोटिस एंड रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और बच्चों ये जा रहा है चैप्टर नंबर 5th से इसका आंसर जा रहा है, समझ रहे हैं, फ्रॉड वाला जो हमारा चैप्टर है फ्रॉड एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, तो यहां क्लियर दे दिया बच्चों, एक्सप्लेन व्हाट ऑडिटर मे कंसीडर फॉर रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज, कैसे रिपोर्टिंग करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, नो डाउट क्लियर कट मैटर है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 10th में भी ये मैटर देके रखा है बच्चों, छोटा सा एक पैराग्राफ आपको देके रखा हुआ है, मेनली इसका आंसर जो है वो चैप्टर नंबर 5th से जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि इसका आंसर चैप्टर 5th में क्या है और स्टूडेंट ने अपने आंसर में इसको कैसे लिखा है, दोनों चीजों को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, अभी दिखाने वाला हूं। आइए तो ये पहुंच गए बच्चों सॉल्यूशन के अंदर, चैप्टर नंबर 5th मुझे चाहिएगा आप लोगों के लिए, तो ये सर 4th गया और ये भी 4th का पार्ट है, मैंने वो आंसर के पार्ट बच्चों यहां दे रखा है, देखिए रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, ये 10 इतना पैराग्राफ दे रखा है बच्चों। द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्लॉज 10, अपने को पता है पैराग्राफ 3, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर एम्प्लॉय हैज बीन नोटिस, बच्चों यहां तक की चीज ठीक है, ये तो आपको चैप्टर नंबर 10th में भी दी है, लेकिन ये वाला जो पैरा है बच्चे लोगों उसको देखिएगा, द स्कोप ऑफ ऑडिटर इंक्वायरी अंडर दिस क्लॉज इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इट मे बी नोटेड, और इससे रिलेटेड पॉइंट बच्चों यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि नोटिस और रिपोर्टेड अगर है तो उसका क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी रिक्वायरमेंट इन्होंने यहाँ पे समझाई है, बराबर से काफी कुछ अगर आप वहां से लिखते हैं तो भी आपको कुछ मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे, अगर चैप्टर 10 से भी आप लिखते हैं। इन्होंने क्या लिखा है जरा देखें, ये देखिए इनको नंबर मिला है बच्चों सिर्फ 1 मार्क,
As per the clause 10 of Karo 16, the auditor required to report fraud which are noticed or reported during the year. This statement means that possibility of fraud cannot be reported as plus clause 10 of the Karo 16 बच्चों match नहीं करता है. कुछ points जरूर यहाँ से इनके ठीक ठाक अगर लग जाए तो एक mark इनको दिया गया बच्चों यहाँ पे. Consideration जो है auditor may take into account कि भाई fraud पे आपको report करना है, report nature of fraud, amount of fraud. ये इन्होंने लिख दिया बच्चे लोगों fraud का, जो हम लोग Companies Act के section 143(12) में जो reporting करते हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ लिख दिया. ठीक ठाक एक नंबर इनको मिल गया है, उससे ज्यादा मिलने के वैसे भी चांसेस यहाँ पे नहीं होते. समझ रहे हैं आप बच्चे लोगों, सीधी सी बात हो गई. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं बच्चों इनको, आप इस टॉपिक के डी नंबर, तीन नंबर का क्वेश्चन था बच्चे. अगेन इनको यहाँ पे एक मार्क जो है वो अलॉट हुआ है. तो सर इसमें क्या था, आइए आप लोगों को बताता हूं मैं. सबसे पहले फोर्थ का डी नंबर क्वेश्चन था क्या, मतलब फोर्थ का डी पार्ट क्या था, देखिएगा. Discuss the audit procedure generally required to be undertaken by the auditor while auditing goods out on sale on return basis. बच्चों समझिएगा, return basis के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बच्चों जाएगा chapter number 9th में ही दे रखा है. सर chapter 9th में कहाँ है मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जैसा आपको मैं लगातार बताता जा रहा हूँ कि इसका answer कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमको पहुंचना पड़ेगा chapter number 9th में. चलिए 5 से 6, 7, 8 का ये 6 चैप्टर आया बच्चों आप लोगों का, मैंने वो पेजेस यहाँ पे ले लिए हैं बराबर जहां पे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स पड़े हुए हैं. ठीक है, और ये हम लोग पहुंच गए बच्चे लोगों चैप्टर नंबर 9 में. जब आप क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं तो यहाँ पढ़ा है बच्चों गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल ऑन रिटर्न बेसिस. देखिएगा तरीका फोर्थ का डी, चेक वेदर सेपरेट मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स आपने बनाया कि नहीं बनाया बच्चों. आंसर मैं एक बार बस आपको बताते जा रहा हूँ कि भाई ऐसा आंसर बनेगा. Verify that price of such goods is unloaded from the sales account, trade receivable record से check करना चाहिए था. फिर third point है बच्चों, ensure that the goods in respect of period of approval जो है वो end में कितना expire हुआ है, उस वक्त में कितना हमारे पास पड़ा हुआ है. फिर आप third party से confirmation भी ले सकते थे. ये सारे points बच्चे 4 point करीब करीब यहाँ पे लिखे गए हैं. ठीक है, देखिएगा अब इन्होंने अपने answer में कितने points इसमें से लिखे हैं बच्चों, आपके सामने है पूरा का पूरा answer बच्चे लोगों सामने है. The audit procedure generally required. अब external confirmation third party से मंगवा लीजिए, चलिए काफी सही चला गया. अब आपको लगेगा सर दो टिक यहाँ पे किए हुए हैं तो इनको दो नंबर मिलने चाहिए थे. मुझे लगता है कि ओवरऑल मिलाकर के इनको 0.5 मार्क्स मिल गया होगा, क्योंकि उतना ज्यादा पर्टिकुलर आंसर बच्चों आप लोगों के सामने, आप खुद देखिए आईसी का आंसर देखिए और यहाँ से आंसर देखिए. रिकैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट आपको देखना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का रिसिप्ट आपको देखना चाहिए, सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन देखना चाहिए. ये सब बच्चों इससे कनेक्टेड पॉइंट हमको नहीं लगते हैं, समझिएगा बात को. वन मार्क मिल गया है काफी है बराबर, क्योंकि जैसा मैटर मैंने अभी आपको दिखाया. अब आप कहेंगे सर ये तो स्टडी मैट से एज इट इज बच्चों, स्टडी मैट का एज इट इज लैंग्वेज भले ही नहीं लिख रहा है लेकिन कुछ तो वहां से मिलता दिखे बराबर. आप अपना लैंग्वेज में लिखिए लेकिन उससे रिलेटेड पॉइंट वहां दिखने तो चाहिए. एक भी पॉइंट बच्चों उससे रिलेटेड यहाँ पे नहीं दिखता है तो फिर आपको मार्क्स कैसे अलॉट होंगे, समझिएगा. ये आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन था जो मैंने पूरा आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ बराबर से. चलिए आपको लेके चलता हूं, इन्होंने अगला क्वेश्चन किया है बच्चों नंबर फिफ्थ क्वेश्चन भी आई थिंक 14 मार्क्स का मेरे ख्याल से होना चाहिए, जिसमें इनको 4 नंबर अलॉट हुए बच्चों फिफ्थ का एबीसी. सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं बच्चों, 0 मार्क्स इनको यहां अलॉट हुए तो हमने कहा सर 0 कैसे हो गए, आइए आपको बताता हूं. पहले तो फिफ्थ वाला है कौन सा क्वेश्चन, आइएगा. तो बच्चे लोगों ये हम लोग पहुंच गए यहां पे फिफ्थ नंबर के ऊपर, ये रहा फिफ्थ का पार्ट नंबर ए. As an auditor of PQR Limited, you came across a misstatement resulting from fraud or suspected fraud, which bring into question your ability to continue performing the audit. बच्चे लोगों अगेन चैप्टर नंबर 5 का पॉइंट है, डायरेक्टली दे रखा है आपको कि जहां आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था. और आइए आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों वो मैं बता देता हूं. चैप्टर नंबर 5th में हमको वापस से चलना पड़ेगा. तो आइए जी 9th से निकाल करके मैं आपको वापस ले जाता हूं बच्चे लोगों, ये चैप्टर नंबर 6th में हम लोग आ गए और ये आए हम लोग चैप्टर नंबर 5. बच्चों ये देखिएगा क्लियर हेडिंग लगी हुई है, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट इफ अ रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट. अगर ऐसा कुछ हो जाए
तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए बच्चे लोगों, देखिएगा यहाँ पे था सबसे पहले तो ये बहुत कुछ वैसा ही है बच्चों, जो ऐसे 210 में ये चीज एग्जैक्टली ज्यादा मैच करती है। सबसे पहले आपको अपना प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर के ऊपर देखना चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो क्या विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको अप्रोप्रिएट लेवल पे बात भी करनी पड़ेगी, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या और कहीं ऑथोरिटीज को रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आपकी बनती है क्या फ्रॉड से रिलेटेड, जैसा 143(12) में अपन करते हैं। ये सारे पॉइंट बच्चों यहाँ एंसर में आने चाहिए थे, और आपको बताऊं कि इन्होंने एंसर में क्या लिखा है, ठीक है। आप लोगों के सामने बच्चों एंसर, इन्होंने यहां लिख दिया द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, सबसे पहला डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। सर ये तो पॉइंट वहां लिखा हुआ था ना, इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड 1 करोड़, और ये लिख दिया द ऑडिटर कम्युनिकेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट लिख दिया बच्चों। हालांकि अब इस क्वेश्चन के अंदर जरूर यहाँ पे राइट का टिक मार्क लगा हुआ है बच्चों, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ये पॉइंट इन्होंने सही लिखा है बच्चों, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड डिटरमाइन द कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस, बराबर। तो यहां पे मुझे लगता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए थे, बराबर से बच्चों, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, बराबर। यहां पे मुझे लगता है यहां राइट का टिक मार्क भी है उस बेस पे, मुझे लगता है, और जैसा इन्होंने लिखा है विड्रॉ वाला पॉइंट भी लिखा है, माना आपको ये 1 करोड़ से ऊपर वाले पॉइंट की आप जरूरत नहीं थी बच्चों, फ्रॉड अमाउंट की एक्स्ट्रा लिख दिया, लेकिन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड डिटरमाइन द कॉन्ट्रैक्ट वाली जो बात लिखी लीगल ऑब्लिगेशंस इनको देखने चाहिए थे, यहाँ मॉडिफाई द रिपोर्ट वाला पॉइंट नहीं था मान लिया, लेकिन ये जो पॉइंट बच्चों इन्होंने डिस्कशन वाला लिखा है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो सही जा रहा है, ये पॉइंट भी सही जा रहा है, तो उस बेस के ऊपर इनको एक या दो नंबर इस क्वेश्चन में मिलने चाहिए थे। हम लोग ये भी चेक कर लेंगे बच्चों, 19.5 नंबर है, हाँ टोटल में आई थिंक काफी कम हो सकते हैं इनके मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यू के मार्क्स भी थे, लेकिन यहां मुझे लगता है 1 से 2 नंबर जो है वो इनको जरूर मिलने चाहिए थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बढ़ गए बच्चों आगे, हम बढ़े 5th के B के अंदर बच्चों, जहां इनको मिले हैं पूरे 3 नंबर, समझ रहे हैं, यानी सबसे हाईएस्ट मार्किंग मिला है 5th का B, और मिलना भी लाजमी है क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सबसे फेवरेट जो टॉपिक होता है कंपनी ऑडिट पे क्वेश्चन होना चाहिए, बराबर। तो 5th के A में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 0 नंबर मिले हैं, वहां पे इनको 1 से 2 नंबर बच्चों क्योंकि पहले भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे 1 से 2 नंबर इनको मिलने चाहिए थे, बराबर। अब देखिएगा, क्लू लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 9 करोड़ एंड पब्लिक बोरोइंग बच्चों 51 करोड़ की हो गई है, 50 करोड़ से ज्यादा की है, और दे अपॉइंटेड प्रेरण कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑडिटर ऑफ एजीएम फॉर 11 इयर्स, आप लोग सब जानते हो 2 टर्म 5-5 साल के होते हैं। इज द मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट बतानी है, और ये बताना है कैपिटल तो पब्लिक कंपनी है 10 करोड़ से कम, बराबर, लेकिन बोरोइंग्स अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो इन पे एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेरण कंपनी इज वैलिड, तो 11 साल के लिए तो वैलिड नहीं है, ये आप लोग सब आंसर जानते हो बच्चे लोगों, 139(2) रोटेशन के बेस पे काम करता है, तो इसका तो सीधा सीधा सा आंसर हम लोग चेक करते हैं कि 139(2) इन्होंने कितना लगाया, क्या किया, मार्क्स कितने मिले, आइए चेक करते हैं बच्चों। ये देखिए यहां इन्होंने सीधा सीधा सा बच्चों लिख दिया है कि यस सर पेड अप शेयर कैपिटल, बढ़िया आंसर लिखा है इन्होंने, यस द मैनर ऑफ रोटेशन इज एप्लीकेबल, रीजन इन्होंने लिख दिया, चलो सेक्शन कहीं पे दिया है डायरेक्टली 139 दिया है यहाँ पे, रोटेशन का सेक्शन आई थिंक नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड मोर हो गया, ये 50 करोड़ हो गया बच्चों, और बोरिंग्स 50 करोड़ और मोर है, सो इनके ऊपर ये कंडीशन लग रही है, कंडीशन सी सेटिस्फाई हो रही है तो लगना चाहिए, बराबर। सेकंड वाले में इन्होंने नो लिखा है, 2 टर्म्स ऑफ 5 साल 5 कंटिन्यूस ईयर्स, तो हाँ बहुत क्लियर है कि एक साथ 11 साल के लिए अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सर 4 में से 4 मार्क क्यों नहीं मिले, 3 मार्क्स मिले, थोड़ा और प्रॉपर आंसर हो सकता था, पर कोई बात नहीं, इसमें कोई हमारा गिला शिकवा नहीं है, ठीक है, आपने 4 में से 3 नंबर दिए हैं क्योंकि हम भी जानते हैं थोड़ा सा प्रॉपर आंसर और हो सकता था, सेक्शन कोड हो सकता था, सेटिस्फाई कंडीशन के साथ कुछ बात अपन लिख सकते थे, ठीक है। तो यहां आकर के बच्चों 4 में से इनको 3 नंबर मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा काम किया है, बराबर। अगला पार्ट बच्चों सी नंबर, एब्सोल्यूट 0 मार्क्स आ गए। अब हमने कहा सर वहां पे भी 0, यहाँ पे भी 0, सर 5th के C में था क्या जो इनको 0 मार्क्स मिला, बच्चे लोगों में डिस्कस करता हूं आपके साथ में। पहले देखा जाए 5th का C क्वेश्चन है कौन सा, आप लोगों के सामने है डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, आपका ऑडिट रिपोर्ट वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हाउ वुड एन ऑडिटर डिटरमाइन
की ऑडिट मैटर, बराबर से कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंस रिपोर्ट। तो आपको बोला है कि भाई ये कैसे आप डिटरमाइन करते हो बताइए। तो 701 में डिटरमाइन करने वाले पॉइंट पूछे गए हैं, तो पहले मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं बच्चे लोगों, चैप्टर नंबर हमको जाना पड़ेगा 11 के अंदर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको लिए चलता हूं चैप्टर नंबर 11 में। हम लोग सारी चीजें बच्चों बहुत प्रॉपर तरीके से देखते जाएंगे ताकि आप लोगों को पता लगे कि कहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखिए बच्चों, ये रहा टॉपिक डिटरमाइन की ऑडिट मैटर का, उसमें ये पॉइंट्स लिखे जाने चाहिए थे। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी विद गवर्नेंस, ठीक है। उनमें एक ये था बच्चों एरिया, जो भी हाई रिस्क एरियाज है उससे हमको पता लगेगा। फिर सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट क्या रहा, बराबर, और इफेक्ट क्या रहे उनके उस चीज के, ये फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि की ऑडिट मैटर्स में क्या आना चाहिए, बराबर से। यहां आपको आंसर दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूं कि इनको जीरो मार्क्स अगर मिले हैं तो रीजन क्या है, क्या वाकई में जीरो मार्क्स है। की ऑडिट मैटर रेफर बच्चे, इन्होंने सिंपल आंसर लिख दिया, इन्होंने सिंपल डेफिनेशन लिख दी की ऑडिट मैटर की, और साथ में बच्चे लोगों की ऑडिट मैटर कैन बी डिस्क्लोज इन, ये चीज बच्चों एब्सोल्युटली गलत है। एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ बच्चों 706 से कनेक्ट करते हैं, यहां से उनका लेना देना ही नहीं है। ये मैटर पूरा 705 से कनेक्ट करता है बेटा, जीरो नंबर यहाँ पे देना बिल्कुल ठीक है, बराबर, क्योंकि जो आंसर होना चाहिए था वो आंसर बेसिकली इन्होंने लिखा ही नहीं है। तो जो मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं वो मार्क्स जो है वो सही है। तो अब तक एक क्वेश्चन में हमको एक या दो नंबर का वहां पे लग रहा है, ये गलती हो सकती है। आइए बच्चे लोगों डी नंबर क्वेश्चन में इनके चलते हैं, जहां पे इनको मिला है एक नंबर, सिंगल एक नंबर मिला है बच्चे लोगों, तब मिला करके वो टोटल अपना 4 मार्क्स हुआ है, 5 मार्क्स हुआ है। आइए देखते हैं, तो पहले फिफ्थ का डी क्वेश्चन कौन सा है जी, आइए देखा जाए। फिफ्थ का डी बच्चों ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगेन बच्चों ब्रांच ऑडिट का हमारा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, जहां पे ब्रांच ऑडिट के अंदर ऑडिटर को मेरे ख्याल से जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। आर लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ साइकिल, हेड ऑफिस दिल्ली और मुंबई में ब्रांच है। ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस वॉज टू बी डन बाय मिस्टर सी डी, और बाकी ब्रांच की जो है वो एम और कोई और पर्सन कर रहे हैं, बराबर से। और हमारा जो मेन ऑडिटर है बच्चों प्रिंसिपल ऑडिटर, वो ब्रांच की बुक्स वगैरह देखना चाह रहा है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, बराबर से। तो अब आपसे पूछा गया इन द अबव सिचुएशन राइट्स क्या है प्रिंसिपल ऑडिटर के, बच्चों कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर काम कर जाता है 143(8), इसके लिए काम करता है ब्रांच ऑडिट का, बराबर से। तो ब्रांच ऑडिट का आंसर बच्चों 143(8) का रेफरेंस बहुत सीधा सीधा सा है, ड्यूटीज एंड पावर बताए गए हैं, बिल्कुल आप उसकी रिपोर्ट पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन आपका विजिट करने का जो राइट है वो एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है बच्चे लोगों। ऐसे 600 भी इसके साथ में काम कर जाता है, तो देखते हैं इन्होंने आंसर में क्या लिखा है। इसका आंसर आपको कहां मिलेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिया बच्चों, कंपनी ऑडिट का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आपको ये सेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, बराबर। मैं सर्टिफाइड कॉपी में इनका आंसर चेक करता हूं कि इन्होंने क्या लिखा है, देखिएगा। अब देखिए यहां एक लाइन में काम जनरली खत्म हो गया, इन्होंने लिख दिया द मैनेजमेंट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ एन ऑडिट इन द गिवन केस आरएस लिमिटेड इज बाय द सीएडी। क्या लिखा है बच्चों, फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंटरी एट ब्रांच इन केस देयर इज अ ब्रांच ऑडिटर अपॉइंटेड, स्टिल द हेड ऑफिस ऑडिटर कैन फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंटरी इफ इट अपीयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द हेड ऑफिस। इन केस ऑफ इन्वेंटरी डज नॉट अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर कैनॉट वेरीफाई द एसेट। बच्चों आंसर कहीं पे सेटअप ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये लिख दिया था कि मैनेजमेंट कैनॉट रेस्ट्रिक्ट, उस बेस पे बच्चों इनको 1 मार्क यहाँ पे मिल गया है, अदरवाइज मिलने के चांसेस ये भी नहीं होते, क्योंकि आंसर आप देखेंगे उठा करके तो बहुत प्रॉपर आंसर लिखा गया बच्चों। मैं अगर यहाँ से पढ़ूं तो बहुत क्लियर बोला है कि द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिटर ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस द अकाउंट्स ऑफ ऑफिस शैल बी ऑडिटेड आइदर बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी और बाय द एनी अदर पर्सन। तो बहुत प्रॉपर तरीके से इसका आंसर है बच्चे लोगों, प्रॉपर आंसर होना चाहिए था, इतना प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से इनको 3 में से 1 नंबर मिले हैं। थोड़ा प्रॉपर आंसर होता तो यहाँ 3 में से 3 नंबर हो सकते थे, तो ये एक बड़ी गलती यहाँ पे आप लोगों के सामने है, बराबर। तो ये इनका सेकंड क्वेश्चन जो इन्होंने फिफ्थ किया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन इन्होंने किया है सेकंड, चलिए सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों लगभग आई थिंक 14 मार्क्स का होना चाहिए, इनको टोटल ओवरऑल इसमें 4 नंबर ही मिले बच्चे लोगों,
जैसा आप लोग देख पा रहे हैं इस वक्त के अंदर चार नंबर इनको दिए गए पूरे के पूरे सेकंड क्वेश्चन के, कैसे क्यों किस लिए, आइए चेक करते हैं। सेकंड का सबसे पहले तो ए नंबर पार्ट बच्चों, जहां इनको मिले हैं पूरे तीन नंबर, तो चार में से तीन मिले हैं, तो मुझे लगता है यहां काफी कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहले तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए जी, आप लोगों को सबसे ज्यादा इस वक्त में जानने की उत्सुकता होगी, ज्यादा आप लोग जानना चाहेंगे सर करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बताओ। अभी बस इन्होंने क्वेश्चन किया है करेक्ट इनकरेक्ट वाला, भी ये वाला तो मैं आपको लिए चलूंगा उसकी तरफ। पहले देखते हैं इन्होंने जो सीक्वेंस फॉलो किए, मैं उसी में चल रहा हूं बच्चों। डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल विच द ऑडिटर शुड टेक इन टू अकाउंट विद सेफ गार्ड का क्वेश्चन बच्चे लोगों, चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, बराबर सेफ गार्ड टू थ्रेट पूछा है बच्चों। सीधा सीधा सा ऐसे 200 से रिलेटेड मैटर है, काफी कुछ इंडिपेंडेंस के थ्रेट का पार्ट हो गया। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि इसका आंसर बेसिकली क्या है, और इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं, और मुझे लाना पड़ेगा आपको सीधा चैप्टर नंबर फर्स्ट की तरफ। चलिए आई थिंक फर्स्ट पेज ही मैंने वही ले रखा होगा, आइए देखते हैं बच्चों। तो ये रहा बच्चे लोगों सेफगार्ड सेकंड का, ये क्लियर लाइन है बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिस्पांसिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग एक्सट्रैक्ट, और ये रहा बच्चों सेफगार्ड के प्रिंसिपल, पांच प्रिंसिपल है बच्चों। सबसे पहला आपको बट ऑब्वियस है कि अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाले फॉलो करने पड़ेंगे, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कोई थ्रेट तो नहीं है, है अगर तो सेफगार्ड लगाओ, नहीं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। दिस इज फ्रॉम द वर्क वाला हमारा एक पॉइंट बच्चों यहाँ पे लगता है। आइए देखते हैं इन्होंने आंसर में क्या लिखा है। अच्छा ये भी हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए 4433 अपना फिक्स पैटर्न चल रहा है बच्चों 4433, तो चार नंबर का क्वेश्चन है ये लेकर के आए, चार में से तीन नंबर इसमें लेकर के आ गए, बाकी ओवरऑल में तीनों पार्ट में एक ही नंबर मिला है। देखते हैं ये देखिए इन्होंने आंसर में लिखा है सेफगार्ड, दो चीजें थी बच्चों देखिएगा, द ऑडिटर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, वो जो सेकंड वाला पॉइंट पड़ा था इन्होंने लिखा है, फर्स्ट मेरा रह गया द ऑडिटर शुड बी एंड अपीयर टू, बिल्कुल सही लिखा, सेकंड भी सही लिखा, the auditor should take all the reasonable step to eliminate or reduce the threat to independence and after taking all the step the threat cannot be reduced, the auditor should not accept the engagement or withdraw from the withdraw wali cheez nahi aani chahiye bachche, shuruaat mein hi ho gaya to withdraw modification nahi aana chahiye tha, to baki points to inhone lagbhag sahi likhe hain barabar, to teen number inko diye gaye mere hisab se char mein se char bhi diye ja sakte the, halanki ek point iske andar missing hai jo hona chahiye tha, par koi baat nahi, char mein se teen number inko diye 1 to 3 बराबर से, स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप्स सर फर्स्ट स्टेप में जीरो नंबर रह गया, जी हाँ ये इंस्टीट्यूट ने किस हिसाब से स्टेप्स बनाए हैं इसका आइडिया अपन नहीं लगा सकते, लेकिन ठीक है ये वाली चीज में यहाँ जो है ये लिखने की जरूरत नहीं थी, एज अ माइंड डायरेक्टली आपको सेफगार्ड से पॉइंट शुरू कर दे तो अपने को बढ़िया मार्क्स यहाँ पे मिल सकते थे बराबर से, नहीं तो क्या हो गया एक स्टेप अपना जीरो रह गया अननेसेसरी का। चलिए यहाँ एक नंबर की गुंजाइश हालांकि थी, फिर भी तीन मार्क्स मिले बच्चों। बी पार्ट जीरो अलॉट हुए बच्चों, जीरो अलॉट हुए, टोटल मार्क्स ही कितने मिले इनको, टोटल मार्क्स मिले बच्चों चार, मतलब कहीं पे एक नंबर और मिला है। सेकंड के बी में बच्चों मार्क्स रह गए एब्सोल्युटली जीरो, हमने कहा सर ऐसा कैसे हो गया बच्चों, समझाता हूं देखिएगा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था विद रेफरेंस टू एस 320 मॉडलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, आपको बताने थे यहाँ पे फैक्टर्स which may affect the identification of an appropriate benchmark while determining materiality of the financial statement as a whole, बच्चों यहाँ पे factors पूछे गए थे, और आपको मैं बताऊं chapter number second का part है बच्चों, ये chapter number second जहां हमारा materiality का concept लगता है ये उसका part है, benchmarking दे रखा है बच्चों आपको, तो ये देखिए ये रहे फैक्टर्स बच्चों, ये रहे ये देखिए ये एग्जैक्ट लाइन दे रखी बच्चों, फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट बेंचमार्क, ये फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पे, और आपको मैं ये भी बता दूं कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं बराबर, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं ले रखा, मैंने सिर्फ हेडिंग डाल रखी है ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ जी ये चैप्टर सारा यहाँ पे टॉपिक आपका पड़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये रहा बच्चों चैप्टर सेकेंड के अंदर हमारे फैक्टर्स, तो टोटल 1 2 3 हाँ जी 1 2 3 फैक्टर्स करीब विद एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड आप देख ही रहे हो, वेदर देयर आर आइटम्स ऑफ विच वाला, एक नेचर ऑफ आइडेंटिटी वाला पॉइंट है हमारा, और रिलेटिव वोलेबिलिटी ऑफ बेंचमार्क वाला हमारा पॉइंट है, कुल चार पॉइंट बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। ठीक
ठीक है, एलिमेंट्स वेदर देख पा रहे हैं आप लोग, देखें कि इन्होंने क्या किया। तो ये रहा सेकंड का बी नंबर बच्चों, यहां पे क्या सबसे बड़ी गलती हो गई जी बच्चों को देखिएगा, सबसे बड़ी गलती हो गई कि पॉइंट कहीं पे मैच नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद ये आंसर तक नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने क्या किया है, बेंचमार्किंग को सिंपल मोड के ऊपर समझा दिया है कि बेंचमार्क होता क्या है। अब आंसर कहीं पर भी एक पॉइंट भी आंसर का मैच नहीं करेगा तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि स्टडी मटेरियल से पढ़ना हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा बच्चे लोगों, थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन आप स्टडी मैट से अगर पढ़ते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी हो सकती है। सारे लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, स्टडी मैट से जो मैंने करवाए हैं पूरा पूरा स्टडी मैट हमने सॉल्व करके रखा है, आप उसका बेनिफिट बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं बच्चे लोगों। चैनल्स के ऊपर आप मेरे चैनल पे जाएं, वहां आप जाकर के लिस्ट देखें ऑडिट की, उसमें आपको ऑडिट के भरपूर लेक्चर्स मिल जाएंगे बच्चों जो हमने डायरेक्टली स्टडी मैट से करके रखे हैं। तो अभी भी फोकस करिए स्टडी मैट के ऊपर, आप उसका इंपॉर्टेंस देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके आता हूं बच्चों मैं आपको, सेकंड का सी नंबर जहां पे भी इनको मिले हैं 0 मार्क्स। चलिए लेकर के चलता हूं आपको सी क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो यहां पे बच्चों सीधा सीधा सा, जिन लोगों ने सैंपलिंग का चैप्टर पढ़ रखा है तो डायरेक्टली बच्चों प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट पे वाला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 काम करता है बच्चों, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट बराबर से डायरेक्ट एक पॉइंट आपको सैंपलिंग के अंदर अलग से दे रखा है। मैं आपको आंसर की तरफ लेके चल रहा हूं बच्चों, आइए आपको मैं सीधा चैप्टर नंबर 7 की तरफ इसका आंसर बताता हूं कि होना क्या चाहिए। 5th चैप्टर पे पहुंचे, 6 से हम बाहर निकले और ये बच्चों आगे हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे। ये देखिए बच्चों इतना सा ये मैटर है, देखिएगा प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट का जो आपका टॉपिक है उसमें ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को डायरेक्टली दे रखे हैं, इस तरह से आपको मिलेंगे कुछ पॉइंट्स हैं बढ़िया वाले, पैराग्राफ एक दे रखा होगा और ये कुछ पॉइंट्स बच्चों यहाँ पे मिलने वाले हैं। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट मिस स्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन ब्रॉड व्यू टू स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट बट दिस प्रोजेक्शन में नॉट बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन एन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। फिर एनोमली वाला एक पॉइंट दे रखा है बच्चे लोगों, इस तरीके से 3 पॉइंट आपको समझाए हैं ठीक है। सेकेंड का सी, अगर इनके आंसर को देखता हूं बच्चों में तो इन्होंने 530 को अगेन वही किया है बच्चों, पूरा का पूरा समझा दिया है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऐसे 200 का पार्ट लगा दिया, population is not sufficient, the sample is very small part of population so it is impossible to access project all the mistakes in them, मतलब जो matter चाहिए था यहाँ पे मुझे लगता है कि इनके पास में answer नहीं होगा तो अपने हिसाब से इन्होंने audit sampling का matter लगा दिया है, जो बच्चों नहीं मिलने वाला कुछ भी नहीं मिलने वाले marks तो यहाँ पे भी ये marks justify कर रहे हैं बराबर। नेक्स्ट पे आता हूँ बच्चे लोगों, आपको डी नंबर दिखाता हूँ। तो ये बात है यहाँ इनको एक नंबर मिला है बच्चों, यहाँ इंस्टीट्यूट ने कुछ डायरेक्ट पॉइंट पूछे थे, यहाँ पे भी हालांकि 2 टिक दिख रहा है उसमें भी, अब यहाँ पे भी प्लस आप देख सकते हैं करेक्ट का साइन है, यहाँ पे भी करेक्ट का साइन है तो आई थिंक एक नंबर और यहाँ गुंजाइश है। अपन चेक कर लेते हैं बच्चे लोगों की क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, मैं आपको वो भी दिखाता जा रहा हूँ बच्चे लोगों साथ में देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 काम करता है बच्चों, 520 के हिसाब से 3 फैक्टर्स के मीनिंग पूछे थे, अकाउंट टाइप प्रेडिक्टेबिलिटी एंड नेचर ऑफ असम्पशन, 3 चीजें जिनमें से एक एक नंबर के तीनों है अपने को पता लगी रहा है, 2 पे अपने को करेक्ट का साइन दिख रहा है लेकिन मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। तो पहले आंसर देखते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में तो हम थे ही थे, सीधा 8 पर चलते हैं बच्चों। ये रहा देखिए, ये रहे पॉइंट आपके, 3 पॉइंट इन्होंने बच्चों पूछे हैं हमसे, एक पूछा है इन्होंने अकाउंट टाइप, एक बच्चों प्रेडिक्टेबिलिटी और एक पूछा है नेचर ऑफ असम्पशन। आइए देखते हैं, अकाउंट टाइप में यहां लिखा हुआ है बच्चों सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर यूजफुल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ अकाउंट देन फॉर अदर, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट टेंड टू बी मोर प्रेडिक्टेबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट एक्युमुलेटेड ट्रांजेक्शन ओवर ए पीरियड, वेयर एज बैलेंस शीट वाली चीजें जो है वो नेट इफेक्ट को बताती है तो वहां पर यह ज्यादा काम नहीं आता है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है बराबर से। तो देखे कि इन्होंने क्या लिखा है, सजेस्टेड के अंदर क्या कुछ मैच करता है क्या बच्चों, देखिएगा इन्होंने यहाँ पे लिखा इट मीन द नेचर ऑफ अकाउंट फॉर विच द एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंटिव आर अप्लाइड, एसेट लिखा इन्होंने, इनकम और एक्सपेंडिचर वगैरह सब लिख दिया, सो द क्लासिफिकेशन इज रिगार्डेड ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नेचर ऑफ असर्शन टू बी यूज, बच्चों नहीं मैच कर रहा है ये, राइट का साइन आईसी ने कैसे लगाया मुझे नहीं पता,
बराबर से, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है बच्चे लोगों, और मैच नहीं कर रहा है तो मार्क्स भी यहाँ पे जीरो अलॉट किए गए, आप लोग देख रहे हो ये मैच नहीं कर रहा है, मैटर आपके सामने था, ठीक है। प्रेडिक्टेबिलिटी के अंदर वैसे भी जीरो मार्क्स मिले हुए बच्चों, आप लोग देख सकते हो, मैं मैटर आपको दिखाने जा रहा हूं यहां से, ये देखिएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको बोलूंगा कि एज इट इज कॉपी मारने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम उसका मीनिंग तो वही निकल करके आया जो वहां दे रखा है बच्चों। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर मोर एप्रोप्रिएट जहां पे कोई रिलेशंस हो, जैसे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का एक रिलेशन है, ऐसा एक अपन लगा सकते हैं एग्जाम्पल इसके अंदर, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, बराबर से। तो कोई भी ऐसा दो चीजें हैं जिनके बीच में रिलेशन सेट हो सको, वहां प्रिडिक्टेबिलिटी काम आ जाती है, वहां पे आपको इसको काम में लेना चाहिए। इन्होंने अपने आंसर के अंदर क्या लिखा है बच्चों, इट मींस द प्रोजेक्टेड रिस्क इन द अकाउंट बाय द ऑडिटर, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर कंसीडर्ड टू बी हाई रिस्क। बच्चों ये तो मैटर ही मैच नहीं करता है बच्चों, इससे ये तो ऑडिट रिस्क वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, तो आप खुद ही सोचिए नंबर कहां से मिलने थे, ये तो गलत ही हो गया। थर्ड में इनको एक नंबर मिला है, इट मींस द अजर्शन टू द सेटिस्फाइंग ऑर्डर टू द ऑडिट अकॉर्डिंग विद द कंप्लीटनेस एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन, ये इन्होंने सारे अजर्शन के नाम लिखे हैं। मैं देखता हूं थर्ड वाला भी सही है कि नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट ने नंबर तो दिए, हम भी तो चेक कर लें। ये देखो यहां इनको नंबर मिले बच्चों, क्योंकि ये देखो इंस्टीट्यूट से लैंग्वेज भले ही मैच नहीं हुई, लेकिन आपके जो कीवर्ड्स थे बच्चों, कंप्लीशन, वैल्यूएशन, मेजरमेंट, अकरेंस, ये सारे पॉइंट जो आपके हैं वो मैच कर गए बच्चों, मैच कर गए। तो भी आप देखिए एग्जैक्ट लैंग्वेज भले ही नहीं लिखी है, लेकिन जो कीवर्ड्स हमारे मैच कर गए वहां पे भी आपको एक नंबर सीधा सीधा से उन्होंने अलॉट किया है बच्चे लोगों, देख सकते हैं आप लोग। पूरा एग्जैक्ट तो वो नहीं है, लेकिन चूंकि वर्ड्स मैच कर गए बच्चे लोगों, एग्जिस्टेंस मैच कर रहा है, कंप्लीटनेस, वैल्यूशन, इस वजह से यहाँ पे नंबर फिर भी इनको एक मिल गया बच्चे लोगों। मैं फिर बोलूंगा जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम तो एज इट इज कॉपी करेंगे तभी नंबर मिलते हैं, इसीलिए हमसे तो ऑडिट न हो पाएगा जी, हमसे तो स्टडी मैट भी नहीं संभलता है, तो आपको मैं क्लियर बोल देना चाहता हूं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एज इट इज कॉपी मारें, लेकिन कम से कम उस तरीके को, उस वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपके सामने है कि मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बच्चों सबसे अवेटेड क्वेश्चन की तरफ मैं आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आ रहा हूं बच्चे लोगों। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन डिमांडिंग क्वेश्चन के अंदर है वो मैं ले रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन इतना मैं ले रहा हूं बच्चे लोगों, बराबर से। इन्होंने एक क्वेश्चन और भी किया है, लेकिन अब तक आप समझ गए होंगे कि कहां पे क्या गलतियां होने के चांसेस है, क्या कुछ हो सकता है। मेरे पास काफी कॉपीज इस वक्त आ रखी है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की तो प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी कि क्या कुछ होना चाहिए था, बराबर से। तो बच्चे लोगों क्वेश्चन फर्स्ट करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर आते हैं। सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप लोग डिमांडिंग रहते हैं, सर ये बताइए इसके आंसर कैसे हुए, तो आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इन्होंने लिखा, पहले तो क्वेश्चन देखेंगे बच्चे लोगों बराबर से, कि क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, इन्होंने क्या लिखा, मैं सारी चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए आपको मैं दिखाने जाता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चे लोगों, सबसे ज्यादा डिमांडिंग, बराबर। हर एक क्वेश्चन दो नंबर का है, मुश्किल है इसी में नंबर लाना, टोटल एट में से आपको सेवन पॉइंट करने पड़ते हैं। ए नंबर पे क्वेश्चन है बच्चों, इफ इवन इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब सफिशिएंट डिटेल ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर शुड रिकॉर्ड दैम इन अ रिटर्न एग्रीमेंट। अब बच्चों ये जो सेंटेंस हमारा फर्स्ट वाला जा रहा है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है जी, इनकरेक्ट है। और इसका आंसर आपको सीधा सीधा सा ऐसे 210 चैप्टर नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। और मजेदार चीज मैं आपको एज इट इज लाइंस बताऊंगा बच्चों, एज इट इज आपको मैं लाइन जो है वो वहां से पढ़वा दूंगा, फिर आप देखिएगा स्टडी मैट पढ़ने का क्या बड़ा फायदा होता है। आइए देखिएगा चैप्टर फर्स्ट में बच्चों में आपको एज इट इज इन लाइंस को पढ़ाने वाला हूं अभी। आइए हर एक क्वेश्चन अपने यहां टिक करके रखा हुआ है कि कहां कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है। आइए ये रही वो लाइंस बच्चे लोगों, फर्स्ट का है देखिएगा, इफ लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द सफिशिएंट डिटेल्स ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑडिटर, क्लियर बोला है बच्चों, नीड नॉट रिकॉर्ड देम इनटू रिटर्न एग्रीमेंट। मतलब आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है वो वाला, ये करेक्ट है। लेकिन आगे एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ रेगुलेशन अप्लाइज एंड मैनेजमेंट उसको एक्नोलेज कर लेता है, ये लाइंस के बगैर बच्चों इसका आंसर उतना क्या दमदार ही नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। अगर दो नंबर चाहिए तो ये अच्छा जिसने भी ये टॉपिक पढ़ा है वो जानता है कि लास्ट वाली लाइन बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, तब तक मजा नहीं आएगा। और ये देखिए इन्होंने आंसर में इनकरेक्ट तो लिख दिया,
ये देख सकते हैं बच्चों इनकरेक्ट इन्होंने लिखा वो सही आंसर है, लेकिन आगे की लाइन वेयर समथिंग इज प्रिस्क्राइब इन लॉ देन इट इज नॉट रिकॉर्डेड टू इट इज नॉट नीडेड टू बी रिकॉर्डेड इन द रिटन एग्रीमेंट हाउएवर द ऑडिटर कैन रिकॉर्ड इज देयर एग्रीमेंट। ये लास्ट वाली लाइन बच्चों कहीं पर भी मैच नहीं करी और वो जो लाइन एक्नोलेज वाली आनी चाहिए थी वो नहीं आई, इसलिए दो में से नंबर मिले हैं बच्चों। एक सुन लीजिएगा, इसीलिए दो में से नंबर मिले हैं, एक नहीं तो मिल जाते दो में से दो। समझ में आ रही है आप लोगों को, रीजन परफेक्ट होना चाहिए तो जाकर के नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जीरो मार्क्स अलॉट हुए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट अगर मैच नहीं करेगा तो वही मामला सारा गड़बड़ है। आइए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू पीरियोडिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम। बच्चे लोगों ये जो इन्होंने लिखा ये सेंटेंस है इनकरेक्ट, बराबर से इनकरेक्ट सेंटेंस है बच्चों। ये कह रहे हैं कि रिव्यू नहीं करना पड़ता है, जबकि हमको रिव्यू करना पड़ता है। चैप्टर नंबर टू से बच्चे इसका आंसर आ रहा है, मैं आपको आंसर दिखा रहा हूं। आइए 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 आइए, चैप्टर नंबर टू से इसका आंसर आप लोगों के सामने है बच्चों। ये रहा ये रहा ये रहा सामने पीरियोडिक रिव्यू। There should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction. तो हमने कहा कि भाई आपको रिव्यू तो लगातार करना पड़ेगा ताकि पता लगे कि चेंज करना है कि नहीं करना, ये आंसर में लिखना चाहिए था बच्चों। इन्होंने यहाँ पे आंसर ही स्टार्टिंग से ही गलत कर दिया, इन्होंने करेक्ट यहाँ पे बच्चों इनकरेक्ट करके भी करेक्ट किया, देख रहे हैं आप लोग यहां बड़ी गलती, इनकरेक्ट कर दिया था लेकिन फिर करेक्ट किया बच्चे लोगों। और इट इज हाँ, और बीच में भी देखिए आंसर माइंड कैसे चेंज होता है, इनकरेक्ट के हिसाब से आंसर लिखा था फिर इन्होंने लिख दिया इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑडिटर, तो यहां आकर के मामला गड़बड़ हो गया बच्चों, जीरो मार्क्स अलॉट हो गए, मामले खत्म। करेक्ट इनकरेक्ट अगर सही नहीं है तो आगे का देखने का तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हो बराबर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सात क्वेश्चन देखने बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। सीधा क्वेश्चन है डिविडेंड आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लॉस ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड बी मेजर्ड रिलायबली। ये उन्होंने लिखा बच्चों बराबर से, अब ये मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 9 में ये मिलेगा बच्चे लोगों आपको। सेंटेंस इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है बराबर से, और इन्होंने आंसर क्या है पहले आपको आंसर दिखाता हूं फिर इन्होंने क्या लिखा वो आपको दिखाता हूं बच्चों मैं। आइए जी मुझे आपको सीधा चैप्टर नंबर 9 पर लेकर के चलना पड़ेगा जी, चैप्टर नंबर 9 9 9 9 9 9, भाई किधर गया। आइए जी चैप्टर नंबर 9 कहां पहुंच गया, चैप्टर नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए बच्चे लोगों। और ये देखिए डिविडेंड की लाइन बच्चों, फर्स्ट का सी आप लोगों के लिए मैंने लिख के रखा है, फॉर डिविडेंड देख सकते हैं वेरीफाई द सेम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लॉस अकाउंट व्हेन द एंटिटीज राइट टू रिसीव ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एस्टैब्लिश, तब ये जाकर के बच्चों वहां पे इस वक्त के अंदर ये रिकॉग्नाइज होता है। बस इतनी लाइंस आपको लिखनी चाहिए थी अपने आंसर के अंदर, करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर। आइए देखें इन्होंने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे इनका जो चेंज किया हुआ मैटर था वो थोड़ा काम आ गया बच्चों, इन्होंने करेक्ट को इनकरेक्ट किया तो इनकरेक्ट तो सही चला गया, लेकिन आगे देखें डिविडेंड आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, सबसे पहला अमाउंट कैन बी मेजर, दूसरा इट रिसीव्ड इन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, काफी कुछ सही लगा, इट बिलोंगिंग टू द एंटिटी नॉट इट्स मेंबर बच्चों, जैसा आंसर वहां से चाहिए था कि क्या होना चाहिए उस हिसाब से इनको फिर एक मार्क दिया गया है, नहीं तो दो में से दो मार्क्स इनको बच्चे बराबर से मिल जाते बराबर। फिर इन्होंने बच्चों अगला डी नंबर तो क्वेश्चन ही नहीं किया है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन की चॉइस मिलती है तो इन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, एक कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए था। मैं डी का आंसर भी आपको बता दूंगा अभी, इन्होंने ई नंबर किया है बच्चों, ई में इनको एक नंबर मिला है, एक नंबर मिला है जी, जैसा आप लोग देख पा रहे हो। मैं आपको डी और ई दोनों बता देता हूं बच्चों, डी नंबर हमारा एलएलपी का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, एलएलपी का क्वेश्चन है, एलएलपी का क्वेश्चन है, 60 डेज की जगह 30 डेज होना चाहिए बराबर, चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 का है, इनकरेक्ट है बच्चे लोगों, डी का आंसर भी हमारा इनकरेक्ट जाएगा, ये नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना था, जिन्होंने भी किया वो लोग ध्यान में रखें कि लाइन्स आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 के अंदर देके रखी है वहां से। अच्छा ये लाइन्स एज इट इज है, चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, मैं बता देता हूँ जिन लोगों ने भी किया है, इन्होंने तो नहीं किया है लेकिन हम लोग चैप्टर नंबर 13 से इसको देख लेते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आइएगा। ये देखिए बच्चों
सेम लाइन है बच्चों, सेम लाइन लिखी है, बस ये डेज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, उन्होंने वहां 60 लिखा है, यहाँ पे इन्होंने 30 लिखा है, बाकी सेम लाइंस एज इट इज वहां पे डाली हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता था, ठीक है बराबर। अब इन्होंने ई नंबर किया बच्चों, आइए हम ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड एसेट, क्लासिफिकेशन शुड बी फैसिलिटी वाइज एंड नॉट बोरोवर वाइज, बच्चों बोरोवर वाइज नहीं होता है बराबर से, ये यहाँ पे एनपीए का ई नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है बच्चे लोगों, सीधा सीधा से इन्होंने दे रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड एसेट, क्लासिफिकेशन वुड बी फैसिलिटी वाइज नॉट द बोरोवर वाइज, बच्चे लोगों ई नंबर जो दिया है इनकरेक्ट हमारा आंसर है इसका बराबर। और इन्होंने क्या लिखा और आंसर क्या होना चाहिए था पहले वो आपको दिखाता हूं मैं बराबर, इनका आंसर तो करेक्ट ही गया है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर बच्चों, जस्ट इससे पहले वाला जो चैप्टर हमारा 12 है उसी के अंदर आपको दे के रखा है, मैं बता देता हूं मैंने लिख रखा है, आइए जी ये रहा बच्चों, ये लाइन यहां दे रखी है बच्चों, देखिएगा डायरेक्ट दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे आप लोगों को, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी बराबर, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ ऑफ बोरोवर गारंटर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, बच्चों क्लियर इन्होंने बोल दिया फॉर पर्पज ऑफ ट्रेडिंग एडवांस, और ये देखिए एसेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज, ये लाइन होनी चाहिए थी बच्चों, ऑल फैसिलिटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी वुड बी टर्म्ड एज एनपीए, चलो ये लाइन है लेकिन मेन ये लाइन आगे बच्चों उसके साथ में लाइन ऐड होनी चाहिए थी बराबर, ये बोरोवर वाइज ही होता है। इन्होंने अपने आंसर में क्या लिखा है बच्चों देख लेते हैं अपन, ये देखिए आंसर तो सही है, इनकरेक्ट वाला सही है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड एसेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज एनी लोन इज कन्वर्टेड एनपी। अब बच्चों यहाँ इनको एक नंबर मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नंबर की गुंजाइश हो सकती थी बराबर, मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ इनको एक नंबर जो है वो और आई थिंक मिल जाना चाहिए था, यहाँ ऐसा मुझे लगता है बराबर से, कॉपी चेकर ने नहीं दिया क्या पता एग्जैक्ट आंसर के हिसाब से, अदरवाइज एक नंबर यहाँ दो में से दो नंबर के चांसेस बनते थे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बच्चे लोगों, यानी अभी तक भी देखे तो दो तीन नंबर का जरूर यहाँ पे अपने को फर्क वेरिएशन दिख रहा है, तो कहीं कहीं पे ऐसी जगह भी नंबर दिए गए जहां नहीं मिलने चाहिए थे, ठीक है आइए एफ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एफ वाला क्वेश्चन सबसे पहले देख लिया जाए जी, देख लिया जाए जी, देख लिया जाए एफ वाला क्वेश्चन बच्चों, देखो 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 देखो, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, बच्चे लोगों सीधा सीधा सा दिया है कि प्लान जो होता है वो स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में डिटेल होता है, ज्यादा डिटेल होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चे लोगों, एब्सोल्युटली करेक्ट वाला सेंटेंस आपको दे रखा है, चैप्टर नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है और वैसे तो डायरेक्ट है, शायद मैंने इसका आंसर यहां ले रखा भी हो, देख लेते हैं कि भाई ये ज्यादा डिटेल होता है, चैप्टर नंबर 2 का ये है बच्चों। स्टार्टिंग के अंदर ही जब आप ऑडिट प्लानिंग और स्ट्रेटजी पढ़ते हो तो आपको ये आंसर वहां पे मिल जाता है, आइए चेक करते हैं जी, चेक करते हैं, चेक करते हैं कहां गया भाई चैप्टर नंबर 2 देखें 2 में कुछ है क्या, हो सकता है मैंने ये वाला आंसर यहां पे नहीं भी लेके रखा हो, मे बी हाँ जी, ये तो आई थिंक मैंने नहीं ले रखा होगा, नहीं ले रखा होगा क्योंकि सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चे लोगों, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है हमारा और सीधा सीधा सा मैटर है इसके अंदर तो कि हाँ भाई प्लानिंग जो है वो स्ट्रेटजी के कंपैरिजन के अंदर जो है वो ज्यादा वाइड होता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो इंक्लूड रहती है बराबर से। डायरेक्टली आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर इसका आंसर देके रखा है, यहां से देखें इन्होंने क्या लिखा है जी, क्या लिखा है इन्होंने आंसर के अंदर, जरा देख लिया जाए, नजर डाल ली जाए, इन्होंने ये बच्चों लिखा करेक्ट है, इफ द ऑडिट स्ट्रेटजी सर्व्ड एज गाइडिंग फैक्टर ऑफ द ऑडिट प्लान द ऑडिटर द इज मोर डिटेल, ये क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, द प्लान, प्लान लिखा है क्या बच्चों, ये इज मोर डिटेल व्हेन इनटू हैज स्टेप टू बी टेकन इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द एंगेजमेंट, बच्चों आंसर की लाइंस जो है वो परफेक्ट नहीं है, चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से ये देके रखा है बच्चों क्या क्या चीज में इसमें इंक्लूड होती है, उसके एक छोटा सा पॉइंट आपको बना करके एक पैराग्राफ दे रखा है वो नहीं है, तो मार्क्स तो भाई साहब यहाँ पे पूरे नहीं मिलने वाले, एक मार्क दिया गया है जो कि सही है क्योंकि आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं 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 दिया गया है बराबर। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, जी नंबर क्वेश्चन में भी इनको आधा नंबर मिला है बच्चों, 0.5 भाई, ऐसा क्या क्वेश्चन था देखें जरा, आइए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर दैट रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये जाएगा बच्चों करेक्ट के अंदर,
चैप्टर नंबर 4 में इसका आंसर है। एग्जैक्टली लाइन देके रखिए बच्चों, एग्जैक्टली लाइन देके रखिए। आपको पहले तो आंसर दिखाता हूं, चैप्टर नंबर 4 की तरफ आपको मैं लेकर के चलता हूं। चलिए जी, चैप्टर नंबर 4 किधर है जी? चैप्टर नंबर 4 ये रहा। इसमें लाइंस कहां है बच्चों? देखें, ये रही बच्चे लोगों, ये रही। डायरेक्ट लाइन से बच्चों, risk of material misstatement may be greater for significant judgment matter that require the development of accounting estimate. फिर कुछ matters इन्होंने दिए हैं, वो आप दे, इतनी lines हमारे लिए कई बार काफी होती है, बराबर। अभी देखें इन्होंने answer में क्या लिखा है, जरा नजर डाली जाए। तो इन्होंने लिखा है answer तो सर correct है, correct वाली चीज तो इनकी match कर गई, लेकिन आगे का जो matter है वो match ही नहीं कर रहा है। The risk of material misstatement is higher in judgmental matter because judgmental made cannot 100% accurate. बच्चों ये judgmental यानी sampling वाले से mix कर दिया इन्होंने answer को, जो कि सही नहीं था भाई, एक इसलिए आधा number। अब आधा number भी समझ जाओ, correct incorrect लिखा इसलिए दे दिया गया बच्चों। कई बार मैं आपको कहता हूँ कि number मिलेगी ही नहीं, बराबर, ये reason सही नहीं हुआ, पर चलो ठीक है कि आधा number इनको यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि reason जो है वो बिल्कुल भी match नहीं कर रहा है बच्चों। इवन आपको ज्यादा कुछ ना समझ आए तो क्वेश्चन ही वापस, अगर करेक्ट हो तब तो वो वापस एज इट इज क्वेश्चन रिपीट करो ना, समझ रहे हो बात को, ट्रिक समझो। अगर करेक्ट ही जा रहा है तो एज इट इज वो क्वेश्चन वहां पे रिपीट मार दीजिए, तो भी इनको नंबर मिल जाते बच्चों, ज्यादा नंबर मिल जाते, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत रह गई। चलिए एच नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए जी। एच नंबर इन्होंने क्या लिखा है ये देखिए, External confirmation procedure are restricted to the items of addressing assertion associated with account balances and their element only. जो audit ढंग से पढ़ने वाले ना उनको हमेशा पता है कि only वाला word जहां आ जाए भाई साहब बहुत गड़बड़ कर देता है बच्चों, बहुत गड़बड़ कर देता है, बराबर से। अगेन चैप्टर नंबर 3 बच्चों, ऐसे 505 का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट जाने वाला है ये, इनकरेक्ट जाने वाला है जी, इनकरेक्ट जाने वाला है। और इसका आंसर भी मैं आपको दिखाता हूं। एक आध कोई आंसर मैं यहाँ पे लेने से चूक गया था, बाकी सारे आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, बराबर। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आपको लेकर के चलता हूं मैं फिर से। ये रहा मेरा चैप्टर नंबर 3 में, ये कहां गया भाई, कहां गया, ये रहा बच्चों, ये रहा, ये देखिए, External confirmation procedure frequently are performed to confirm or request information regarding account balances and their element. इतना तो है, वहां उन्होंने आगे only लगा दिया था, same line लिख के आगे only लगा दिया, लेकिन असल answer क्या है? They may also be used to confirm terms of agreement, contract, transaction between entity and other firms. ये सब आना चाहिए था बच्चों, कि खाली account balances के लिए नहीं है, और भी कई सारी चीजों के लिए काम में आता है। देखें इन्होंने अपने answer में क्या लिखा है जी, क्या लिखा है जी, क्या लिखा है? इन्होंने बच्चों इनकरेक्ट तो लिख दिया। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नॉट ओनली रिलेटेड टू अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर अदर एंड देयर एलिमेंट बट अदर मैटर एज वेल एज, फॉर एग्जांपल इज सेंड फॉर एनी कंटिजेंट लायबिलिटी। बच्चों लैंग्वेज मैच नहीं हुई कि ये खाली बैलेंस अकाउंट बैलेंसेस के लिए नहीं होकर के कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए भी होता है, जबकि हम ये कह रहे थे कि सिर्फ बैलेंसेस के लिए नहीं होकर के साइड एग्रीमेंट, टर्म्स कंडीशन, इंटरेस्ट रेट, इन सब के लिए भी होता है। यहां आकर के बच्चे ये मात खा गए, एक नंबर का गड़बड़ हो गया, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। तो ये लगभग हालांकि इन्होंने एक क्वेश्चन और किया बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन भी किया, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इनको एक नंबर मिला है, बराबर से, क्योंकि मैंने ये पूरा कॉपी चेक किया है बच्चों, और मुझे बिल्कुल ये जस्टिफाई लगा है कि हाँ भाई मार्क्स जो थे वो प्रॉपर तरीके से है बच्चे लोगों। चलिए एक क्वेश्चन ही बचा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन इनका ये और है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। थर्ड में सिर्फ एक नंबर मिला है इनको, और मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी दिखाने जा रहा हूं। यस बच्चे लोगों, थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वीडियो जरूर लंबा बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत वर्थफुल रहने वाला है, ये बहुत जबरदस्त वाला वर्थफुल रहने वाला है। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड क्वेश्चन बच्चे लोगों, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर एक्टिविटी दैट एंटिटी यूजर मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल। बच्चों इंटरनल कंट्रोल में डायरेक्टली एक टॉपिक दे रखा है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। बच्चों चार नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर फोर से आता है। मैं आपको सजेस्टेड दिखाने वाला हूँ बच्चों, मतलब कहाँ इसका आंसर पड़ा है वो बताने वाला हूँ आपको। देखिएगा चैप्टर नंबर 4, सीधा हम लोग 4 पे आ गए बच्चों, और 4 में आप लोग देख सकते हैं ये पढ़ा बच्चों, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, और उसके सारे पॉइंट्स मैंने हर बार बहुत इंपॉर्टेंट लगवाया है, ये सबको बोला है भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिए ये सारे पॉइंट बच्चे हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल के, बराबर से। अब आपको दिखाता हूं मैं सर्टिफाई आंसर,
ये देख लीजिए जी, सर्टिफाई आंसर आपके सामने है इनका, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये देख लो बच्चों। मॉनिटर ऑफ कंट्रोल का एक भी पॉइंट इनका मैच नहीं करता है। रेफर टू द चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टाइम टू इंश्योर स्मूथ वर्किंग हैंडलिंग। बच्चों कुछ भी नहीं डायरेक्टली, फिर एक एग्जांपल और दे दिया इन्होंने कि कैसे करते हैं इंटरनल कंट्रोल, कहीं पर भी आंसर मैच नहीं कर रहा है बच्चों। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल के बारे में लिखा ही नहीं है जो पॉइंट होने चाहिए थे, इसलिए 0 मार्क्स अलॉट हुए बच्चे। बिल्कुल ठीक मार्क्स मिले हैं यहाँ पे। थर्ड के अंदर इनको थर्ड के बी में 1 नंबर यहाँ पे अलॉट हुआ है बच्चों, 1 नंबर जो मिला है वो यहीं पे मिला है। आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। 4 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ लिखा है बच्चों, डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है। आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ बच्चे, डेटा एनालिटिक्स चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 आपका जो ईडीपी ऑडिट वाला चैप्टर है अपना, वहां से क्वेश्चन बन के आता है बच्चे लोगों। देखिएगा आपको मैं उसका सजेस्टेड बताने जा रहा हूँ बच्चों कि कहाँ मिलता है आपको डेटा एनालिटिक्स। मैं आपको सीधे तौर पर चैप्टर नंबर 6 की तरफ लेके चलता हूँ, और चैप्टर नंबर 6 में ये आपको यहां नजर आएगा बच्चे लोगों, डेटा एनालिटिक्स। ये देखिए ये क्वेश्चन है थर्ड के बी का, जहां पे अपने को पूछा गया था कैसे करना है। ये सारा पॉइंट बच्चों आपको दे रखा है, वर्क इन्होंने पूछा था, तो ये सारे काम आएंगे बच्चों, कैसे यूज होता है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अपने को दे के रखे हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हो। ये रहे पॉइंट, चेक कंप्लीटनेस, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, रीकंपटीशन, री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिसिस ऑफ जनरल एंट्री, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट एंड कंट्रोल डेफिशिएंसीज। ये बच्चों पूछा गया है, मतलब ये आंसर में है। आइए देखते हैं कि आंसर क्या लिखा है जी, क्या लिखा है जी, क्या लिखा है जी। ये देखिए बच्चों थर्ड भी आपके सामने है, इसमें प्रोसेसिंग द हाई वैल्यू, जो जनरल एंट्री वाला पॉइंट था वो अपना एक मैच कर गया बच्चों, बाकी सैंपल, प्रिपेयरिंग द नेसेसरी रिकॉर्ड्स, ये कुछ भी मैच नहीं किया बच्चों। सिर्फ एक बात, जो जनरल एंट्री वाली लाइन थी, आप देखिएगा कॉपी कई बार बहुत जबरदस्त तरीके से चेक हो जाती है बराबर। ये जो जनरल एंट्रीज लिखा हुआ था एनालिसिस वाला, खाली ये एक पॉइंट बच्चों मेनली इनका मैच किया है यहां से, उस बात का बच्चों 1 नंबर इनको दे दिया गया है। कि जितने आपके पॉइंट्स होते हैं जनरली 4 पॉइंट्स पे 4 नंबर रहते हैं, 4 पॉइंट्स बच्चों देखिएगा, इन्होंने भी 4 स्टेप पे नंबर दिए। समझो इस बात को, तरीका भी समझो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स भी है, प्रोसीजर हुआ तब तो सारे लिखने, लेकिन पॉइंट्स अगर है तो 4 पॉइंट्स में आपको 4, हर एक पॉइंट का 1 नंबर रहेगा, बाकी पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे बच्चों। एक जनरल एंट्री इनका मैच किया, उसके ऊपर मार्क्स इनको मिल गए, जैसा आप देख पा रहे हो, बाकी मैच नहीं किया तो नंबर नहीं मिले हैं बराबर से। चलिए आपको लेके चलता हूं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बच्चे लोगों। आइए फटाफट से, आखिरी 2 क्वेश्चन हमारे पास में है। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, व्हाट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल मेकिंग कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, आपसे पूछ लिया बच्चे। फिर से ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है कंट्रोल रिस्क असेसमेंट वाला, चैप्टर नंबर 4 से बच्चों, चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन है जी। चैप्टर नंबर 4 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मैंने इसका आंसर जरूर लिया होगा, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 4 से इसका आंसर दिखाता हूं। आइए आइए बच्चे लोगों, चैप्टर नंबर 4 जी, 4444 आजा भाई आजा, 4 नंबर किधर है। ये तो मॉनिटरिंग वाला पॉइंट था बच्चों, ये रहा देखिए। हाँ जी, अरे किधर गया, किधर गया भाई, किधर गया। हाँ जी, अच्छा ये इसका आंसर भी मैंने नहीं लिया है बच्चों, इसका आंसर भी मैंने नहीं लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका आंसर भी मैंने नहीं लिया है। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जी, वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ आंसर कहाँ पड़ा है। व्हाट फैक्टर आर टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल मेकिंग कंट्रोल रिस्क असेसमेंट के पॉइंट बच्चे लोगों, आपको मैं बता देता हूँ। कंट्रोल रिस्क असेसमेंट आपका पड़ा है चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग 4-5 पेजेस के अंदर ही आपके पास में मिल जाएगा बराबर से। मेरे पास में चूंकि पुराना स्टडी मटेरियल है तो 4.4 के अंदर ही, पेज नंबर 4.4 पे मैटर पड़ा हुआ है बच्चों बराबर से, जहां पे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट के सारे पॉइंट दिए हैं। कंट्रोल रिस्क जहां आपको मेनली समझाया है, तो कंट्रोल रिस्क जहां समझाया उसके फर्स्ट पैरा में बच्चों लिखा हुआ है ऑडिटर एसेस कंट्रोल रिस्क एज रिलाय और नॉट रिलाय, उसका जो फर्स्ट पैरा बच्चों वही इसका आंसर भी है, वही एग्जैक्ट इसका आंसर निकल करके गया बच्चे लोगों। वहां पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों देके रखे हुए हैं बराबर से। तो उन पॉइंट से अगर मैं इसका आंसर मैच करूं तो मैं देखूं भैया आंसर मैच करता है कि नहीं करता है, अभी देख लेता हूं आपके सामने ही। चलिए
तो थर्ड का सी हम लोग चेक कर रहे थे बच्चों, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है बच्चे लोगों, बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा, कुछ लिखा ही नहीं है। इन्होंने ऐसे 315 लिख दिया जबकि आंसर यहां से चालू ही नहीं होता है बच्चों। द कंट्रोल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ओवर इंटरनल कंट्रोल, सेकंड नंबर आईटी प्रोसेस का पॉइंट है, तीसरा स्कॉट वाला पॉइंट आ गया बराबर। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं स्टडी मेट में, आप चेक कर सकते हो। इनको खुद को पता था मेरे ख्याल से कि आंसर सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, छोड़ दिया उसको, 0 मार्क्स अलॉट हुए हैं। अगेन बच्चों आखिरी क्वेश्चन इनका थर्ड डी में भी इनको 0 मार्क्स मिले, क्यों मिले बच्चों को बताता हूं। अगेन चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, देखिएगा। आपसे पूछा है एनालाइज हाउ रिस्क इन द आईटी सिस्टम इफ नॉट मिटिगेटेड कुड हैव बीन इंपैक्ट ऑफ द ऑडिट, अगर मिटिगेट नहीं होता है तो क्या उसका इंपैक्ट रहने वाला है। आइए आपको चैप्टर नंबर 6 से मैं ये आंसर दिखाने जा रहा हूं बच्चों, देखिएगा। चैप्टर नंबर 6 ये हमारा आ गया, ये रहा बच्चों इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, और ये रहा बच्चों देखिए क्लियर बोला है द अबव रिस्क इफ नॉट मिटिगेटेड, तो क्या उसके इंपैक्ट होने वाले बच्चों। तीन इंपैक्ट आपको दे रखे हैं सब्सटेंटिव ऑडिट के ऊपर, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल, इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग, और उसके ये पॉइंट बच्चों आपको दे रखे हैं। इनका नीचे आप देख सकते हैं थ्योरिटिकल पार्ट भी आपको दे रखा है बकायदा, ये रहे तीन इंपैक्ट बराबर। अब हम यहां से अगर आंसर को मैच करें बच्चे लोगों तो कहीं पर भी हमारा आंसर उससे मैच करता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। डेटा लॉस ऑफ द एंटरप्राइजेस, फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कहीं पर भी आंसर मैच नहीं करता है बच्चों, इसलिए यहां पे 0 मार्क्स अलॉट हुए हैं। ये था इनका पेपर। तो बच्चे लोगों आज का हमारा ये जो खास वीडियो था, लंबा जरूर बन गया है, बड़ा वीडियो जरूर बन गया है, लेकिन मुझे लगता है उन सबके लिए बहुत यूजफुल रहेगा जो कहीं ना कहीं कॉपी को मंगवा चुके हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि कहां हमने गलतियां किया, कहां कुछ है। तो बच्चे लोगों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, फिर से मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे लोगों स्टडी मैट को देखिए। स्टडी मैट पूरा नहीं पढ़ना है आपको, एज इट इज सारे पॉइंट्स में से कीवर्ड्स को निकाल लीजिए और उनको अगर आप आंसर में डालते हैं बच्चों तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए जी, तो बहुत बड़ी सी क्लास हो गई आज लोगों की, आप लोगों से बस यहीं तक कि आज मेरी मुलाकात थी। जल्दी आप लोगों से फिर लगातार रोज हमारी मुलाकात होने वाली है सीए फाउंडेशन, सीए इंटर लॉ, सीए इंटर ऑडिट और बहुत सारे काम के वीडियोस के साथ में आपसे मैं जल्दी मिलता रहूंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर कर लीजिएगा और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाइन में है। ओके बच्चे लोगों, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बस पढ़ते रहिएगा जबरदस्त तरीके से।